की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप में, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा डेटा डायरेक्टरी एंड फोल्डर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है उनसे रिलेटेड ऑप्शंस जिनमें हम चेंजेस कर सकें और जिनसे चेंजेस से हम अपने हिसाब से उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो टैली के जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी ऑप्शंस है और सेटअप के बारे में हम जानेंगे, और दूसरा हम जानेंगे डेटा डायरेक्टरी और फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये दोनों ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज की क्लास में। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो टैली में सबसे पहले हमें करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले प्रेस करनी होगी, सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको करना ये है, आप यहाँ पर जाएंगे, प्रेस करेंगे F12 की। F12 की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशंस में आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रहे होंगे, जैसे जर्नल, न्यूमेरिक सिंबल, एक्ट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो, बाउचर एंट्री, इनवॉइस एंड ऑर्डर एंट्री, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग, ईमेल, डेटा कॉन्फ़िगरेशन और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट फीचर्स एंड लाइसेंसिंग एंड क्विट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशंस का मींस होता है ऑप्शंस। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ऑप्शन तो दिए गए हैं और साथ ही साथ हर एक चीज़ को करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा आपको जर्नल। तो मैं आपको जर्नल ओपन करके बता देता हूँ, आपको खाली सिंपली एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जर्नल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जर्नल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ना चेंज करना ही बेटर होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमें पहले चेक कर लेना, हमें टैली पे काम कर लेना है, उसके बाद हमें समझना है कि हमें किस चीज़ में चेंज करें और किस चीज़ में नहीं करना है। यदि आप पहले से ही इसको चेंज करने लग जाएंगे तो ये बिल्कुल वेस्टेज होगा, आपके कोई मतलब का नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले टैली पे काम करना है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको कंट्री डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबरिंग स्टाइल मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएंगे, फॉर्मेट नंबर्स मिल जाएगा, टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो आपको यस नो करके, इंटरनेशनल करके, या फिर एलिस नेम आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर नेम ओनली चाहिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम चीज़ें मिल जाएंगी, उसके हिसाब से आपको चेंज कर लेना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे चेंज करने क्यों हैं। तो पहले आपको टैली पे काम करने हैं, उसके बाद इनको चेंज करना है। हमारा आज का टॉपिक था कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको सेटअप करना है, लेकिन सेटअप करना ज़रूरी है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसको सेटअप करना है। तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। तो पहले आपको मैंने जर्नल दिखा दिया। अब न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप नंबर से रिलेटेड देख लेते हैं। तो यहाँ नंबर से रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिंबल बिफोर नंबर, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, सिंबल आफ्टर नंबर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो सिंबल यूज टू नेगेटिव नंबर, तो यही सी बात है, अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो हम उसे माइनस से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर नंबर बिफोर तो लिखा हुआ है, लेकिन आफ्टर के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आफ्टर में वैसे भी नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सेटअप है वो हमारे अपने अकॉर्डिंग तो करना ही है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि दूसरा उसको समझ पाता है या नहीं समझ पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ, अगर आपको कोई चेंजेस किए हैं तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करेंगे तभी वो चेंजेस एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्ट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो, तो यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बाउचर एंट्री, यानी बाउचर्स मतलब कि जो एंट्री मैंने आपको कॉस्ट सेंटर में बताई थी वो एक बाउचर में की गई एंट्री की थी, जो कि मैंने पेमेंट बाउचर में की थी, तो उसमें भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर उसके चेंजेस के लिए दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको इनवॉइस और ऑर्डर एंट्रीज, तो इनवॉइस का मतलब होता है बिल, तो बिल में आप चेंजेस कर सकते हो। पेरोल सैलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी बैंकिंग के हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं तो बैंकिंग के हिसाब से भी आप चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग का
अलग ही इन्होंने मेन्यू दिया हुआ है, आपको हर बाउचर के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे परचेस ट्रांजेक्शन लिखा है तो परचेस का अकाउंट अकॉर्डिंग आप है ना बाउचर में चेंजेस कर सकते हो, इनवॉइस में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट बाउचर है तो पेमेंट बाउचर के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंजेस करना ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर जाके चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ ओपन करके बता दे रहा हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक और ऑप्शन, ईमेल यानी कि ईमेलिंग, यानी हम जब ईमेल करते हैं तो ईमेल सर्वर नेम और सर्वर का एड्रेस ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे नेम में पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25, ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप 25 दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप इसमें यहाँ पे ऑप्शंस दोगे वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा होगा, जिस कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके आईडी से जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था डेटा कॉन्फ़िगरेशन, तो डेटा कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है डेटा कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बात करने वाले हैं डेटा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पर एंटर कर लेंगे, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स, कहने का मतलब ये है कि जब आप टैली में कोई कंपनी बनाते हो तो वो कंपनी कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रिएट करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है और फॉर्म में एक डायरेक्टरी लिखी आती है और वहाँ पे लिखा आता है एक पाथ, ठीक है। तो वहाँ पे जो पाथ लिखा आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, यानी लोकेशन ऑफ डेटा फाइल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो लोकेशन दोगे डेटा वहाँ पे जाके सेव होने लगेगा। सेव होने का मतलब ये है कि अगर आपने टैली में कोई कंपनी बनाई है तो टैली के अंदर तो वो रहती है, लेकिन टैली भी अपना डाटा कहीं ना कहीं सेव करता होगा, तो वो जो है वो है लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स, सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, ठीक है। डाटा नाम है उसमें हम यहाँ पर आपकी फाइलें बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल, तो यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल में हम यहाँ पे लिखा हुआ सी ड्राइव, यूज़र फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, टैली, टैली RP9, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ कि लोकेशन दिखेगी कहाँ। तो ये दिखाई देगी आपको कंप्यूटर में, कंप्यूटर में सी ड्राइव में, यूज़र्स में, पब्लिक में, टैली RP9, डाटा नाम के फोल्डर में। याद रखिएगा जो आपकी फाइलें आपको दिखाई देंगी वो आपको नंबर से दिखाई देंगी, क्योंकि टैली हर एक कंपनी को एक नंबर देता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो आप आज की क्लास में हम टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटअप देखा, डेटा डायरेक्टरी और फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन देखा, और यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।